राज्य सरकार के विरोध में सांसद बालू धानोरकर के नेतृत्व में वर्रा में चक्का जाम आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। राज्य में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं और आज पूरे महाराष्ट्र से कांग्रेस के एकमात्र सांसद बाळू धानोरकर के नेतृत्व में राज्य सरकार की नीति के विरोध में वर्रा शहर में चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें सांसद बाळू धानोरकर, जिला परिषद सदस्य आशावरी देवतले, प्रतिभा धानोरकर, वर्रा के पूर्व नगराध्यक्ष टिपले दिनेश चौखारे के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान स्थानीय रत्नवाला चौक में इस आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर सांसद बाळू धानोरकर एवं अन्य नेताओं ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और यह कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है, किसानों का कर्जा माफ करें, ऐसी अनेक मांगे इस दौरान की गई। वहीं इस मौके पर कड़ा पुलिस का बंदोबस्त था और पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था। आंदोलनकारियों ने टायर जलाकर यातायात को ठप किया, जिससे बड़े पैमाने पर वाहनों की कतार लग गई और लगभग काफी समय तक ये सब वहां पर चलता रहा। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए आंदोलनकारियों को महामार्ग से दूर किया। बाद में इस आंदोलन ने एक सभा का रूप लिया। इस आंदोलन की विशेषता यह है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जिन्होंने हाईकमांड के पास निवेदन दिया है, अधिकतर लोग इस आंदोलन में शामिल थे। इस दौरान सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि वैभव रुआरकर वहां पर मौजूद थे तथा इस आंदोलन के संबंध में सांसद बाळू धानोरकर ने क्या कहा, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। काँग्रेस चक्का जाम आंदोलन करण्यात आलं, कारण सतत नापिकी मागील 5 वर्षापासून जेव्हापासून फडणवीस सरकार या राज्यात आहे, आदरणीय मोदींचं सरकार केंद्रात असताना या राज्यावर नेहमी अवकाळ आलेली पाहायला मिळते। यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला, या पाण्यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या शेतामध्ये निंदायला जाऊ शकत नाही, शेतकरी त्याचं उत्पन्न व्यवस्थित घेऊ शकत नाही, अशा बिकट परिस्थितीमध्ये हा संपूर्ण जिल्हा पाण्याच्या खाली आलेला आहे। म्हणून हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित झाला पाहिजे, कारण एवढा पाऊस पडलेला आहे की त्याच्यामुळे शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये पिकं नाहीशी झालेली आहे, झोपलेली आहे पाण्या अतिपावसामुळे। म्हणून ओला दुष्काळ हा झाला पाहिजे, हेक्टरी 60,000 रुपये शेतकऱ्याला मोबदला मिळाला पाहिजे। इव्हन जे इथं वर्धा पॉवर प्रोजेक्ट आहे ते बंद पडलेलं आहे, तिथे स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे, त्यासाठी ते पॉवर प्रोजेक्ट चालू झालं पाहिजे। ISMT प्लांट बाजूला आहे ते सुद्धा बंद पडलेलं आहे, ते सुद्धा प्रोजेक्ट चालू झालं पाहिजे। आणि जिल्ह्यामध्ये जे जे प्रकल्प बंद आहे ते प्रकल्प कार्यान्वित होऊन स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणं, शेतकऱ्याचा सातबारा कोरावणं ह्या आमच्या मागण्या। या मागण्या घेऊन आम्ही शासनाकडे निवेदन रीतसर पाठवलं, पण शासनाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे आज संपूर्ण काँग्रेसचे पदाधिकारी, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सर्वजण इथं उपस्थित झाले आणि हे आंदोलन आम्हाला करावं लागत आहे। याच्याहीपेक्षा जर सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, हा जिल्हा ओला दुष्काळ ओला जाहीर केला नाही, तर याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन इथे घेण्यात येईल आणि सरकारला यांची जागा दाखवून देऊ। या सरकारने वारंवार शेतकऱ्यांवरती अन्याय केला, ऑनलाईन पद्धतीने शेतकऱ्याची कर्जमाफी करण्याचा प्रकार केला, त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याला कुठेच न्याय मिळालेला नाही। एकाही शेतकऱ्यांनी दाखवून द्या हातवर करून की मला खऱ्या अर्थानं कर्जमाफी झाली, ही फसवी कर्जमाफी आहे। म्हणून या सरकारला यांची जागा दाखवायसाठी आज आम्ही इथे उपस्थित आहोत। सीटीव्हीले हमारे प्रतिनिधी वैभव रुआरकर साथ हमारे तंत्र निर्देशक शैलेश गणवीर की रिपोर्ट।